झाबुआ उपचुनाव में प्रचार खत्म हो जाएगा, आखिरी दोनों दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए तो मंत्री जीतू पटवारी ने लोगों को जलेबियां बनाकर खिलाई। प्रदेश में हो रहे झाबुआ उपचुनाव में रविवार को प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने झाबुआ के कांग्रेस चुनाव कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झाबुआ की उन्नति में रुकावट के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर जनता को बरगलाने के लिए तरह तरह के वादे कर रही है, लेकिन झाबुआ की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 9 महीने में ही किसानों कर्ज माफी से लेकर अनेक बड़े जनहितेशी फैसले लिए हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांतिलाल भूरिया के चुनाव जीतते ही झाबुआ के विकास के लिए यहां कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। झाबुआ के विकास के संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार कर कार्य योजनाओं का अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ये तय किया गया है कि मैग्निफिसेंट एमपी के माध्यम से जो भी उद्योग प्रदेश में लगेंगे उनसे मेघनगर और झाबुआ को भी एक बड़ा लाभ मिलेगा। पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान झांझ मंजीरे बजाते हैं, नौटंकियां करते हैं और रोड शो करते हैं जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन कमलनाथ सरकार रोड शो की बजाय झाबुआ की उन्नति का एक ऐसा रोड मैप बनाएगी जिससे झाबुआ के विकास का स्वर्णिम दौर प्रारंभ होगा। झाबुआ उपचुनाव के आखिरी दिन चुनाव प्रचार करने पहुंचे खेल मंत्री जीतू पटवारी ने बाजार में एक मिठाई की दुकान पर पहुंचकर खुद जलेबी बनाई और लोगों को अपने हाथों से खिलाई। मंत्री को जलेबी बनाते देख बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उन्होंने भी मंत्री जी की सियासी जलेबी का स्वाद लिया। वहीं कोई भी बाहरी व्यक्ति झाबुआ में नहीं रुक पाएगा और मंत्री और बाहरी नेताओं को भी जाना पड़ेगा। सभी होटल लॉज की तलाश ली जाएगी और यदि कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव के प्रयोजन से झाबुआ में रुका मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ उपचुनाव में शराब बांटने की सूचना पर भोपाल से आबकारी विभाग की टीम पहुंच गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर भोपाल से असिस्टेंट कमिश्नर नरेश चौबे दलबल के साथ झाबुआ पहुंचे, जहां उन्होंने झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पिटोल नाके पर वाहन चेकिंग की सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए, क्योंकि झाबुआ आदिवासी क्षेत्र होने से आमतौर पर चुनाव में जमकर शराब और पैसा बांटा जाता है। इसी के मद्देनजर भोपाल से टीम तैनात की गई है। झाबुआ की सीमाएं गुजरात से भी लगती है, इसलिए गुजरात से आने वाली सीमाएं सील कर दी गई है। साथ ही आसपास के जिलों से लगी सीमाओं पर विशेष नाकाबंदी की गई है जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। चुनाव आयोग के निर्देश पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है जिससे चुनाव में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक लग सके और चुनाव बिल्कुल भी प्रभावित न हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न हो सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।